अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट मैट्रिक के हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम चार डिजिट को हम दूसरे चार डिजिट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें 6524 को हमने यहाँ रखा है, इसी तरीके से 3759 को हमने यहाँ ऊपर रखा है। तो हमें क्या करना होगा कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 होता है, 1 ऊपर रखा है, 8 नीचे, 7 6 होता है हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है 42, 4 ऊपर रखा, 2 नीचे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 होता है, 3 ऊपर रखा, 0 नीचे, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास होता है 54, 5 ऊपर रखा, 4 नीचे, इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 होता है, 1 ऊपर रखा है और ये 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 35 होता है, 3 यहाँ ऊपर रखा है और 5 नीचे, इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 होता है, 2 ऊपर रखा है और 5 नीचे, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45 होता है, 4 ऊपर है और 5 नीचे, इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 6, लिहाजा ऊपर हम सिर्फ 0 लिखेंगे और नीचे रखेंगे 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 होता है, 1 ऊपर है, 4 नीचे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 10, 1 ऊपर रखा है और 0 नीचे, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 होता है, 1 ऊपर रखा है और 8 नीचे, इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 होता है, 1 ऊपर रखा है और 2 नीचे, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 होता है, 2 ऊपर रखा है, 8 नीचे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 होता है, 2 ऊपर रखा है और 0 नीचे, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है 36, 3 हमने ऊपर रखा है और 6 नीचे। अब इसको हम ऐड करने जा रहे हैं इसी तरीके से जो पहले सवाल में हमने ऐड किया था, 6 हमने पहले रखा है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 11, 1 मैंने यहाँ रखा है और इसका 1 हो जाएगा कैरी ओवर, 5 प्लस 1 6 7 9 और ये 17 है, 7 मैंने यहाँ रखा है, 1 यहाँ कैरी ओवर, 5 9 14 15 19 21 और 23, 3 मैंने यहाँ रखा है और 2 हो जाएगा कैरी ओवर, ये 7 हो जाता है, ये 9 है, ये 14 है, 14 प्लस 1 15 15 और 21 और ये 22, 2 मैंने यहाँ रखा है और 2 आ जाएगा कैरी ओवर, 3 प्लस 2 5 होगा, 5 7 होगा, 10 और ये 15, 5 मैंने यहाँ रखा है और प्लस 1 कैरी ओवर होगा, 5 और ये 6, 6 में हम 8 प्लस करते हैं तो होता है 14, 4 यहाँ आ गया और फाइनली 1 कैरी ओवर आ गया और फाइनल हमारे पास 1 प्लस 1 2 होगा। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर जो है वो इस तरीके से आ गया। वीडियो के एंड में हम आपको जो है वो एक असाइनमेंट देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 6 3 2 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 2 3 9 से, और इस ट्रिक के जरिए सॉल्व करने के बाद अपना आंसर जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।